भगवान के मुंह की तरफ केवट देखने लगा। और जब भगवान के मुंह की तरफ केवट देख रहा तो पिय ही की सी जान नारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मुदरिया को उतार के देने लगी तो केवट बोले महाराज क्या कर रहे हो, अरे तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने तुम्हें गंगा से पार कर दिया और जब हम आपके घाट पे जाएं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। एक केवट कभी दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता। महाराज ही श्री प्रभु वन के लिए गए और 14 वर्षों के बाद में लौट करके मेरे प्रभु ने आकर के महाराज पुनः राजगति को प्राप्त किया। शूर वंश की कथा श्रवण बनाई है और अब कहा है हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्र वंश की कथा श्रवण कराता हूं। तो जो चंद्र वंश की कथा श्रवण कराई बोले आप जानते हो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए परीक्षित। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्री और अत्री के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया था तो सबने कहा कि वापस कर दे, ये तेरी गुरु मां है। लेकिन उसने वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। महाराज गर्भवती तारा जब वापस आई परीक्षित, पृष्पति जी ने कहा मैं तुझे मार भी नहीं सकता और रख भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गर्भवती औरत पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाथ तो कभी मत उठा क्योंकि जो आंखें पे ना डरी वो पिटाई रखा डरेगी। जिस घर अंदर नारी जाति का होता ये सम्मान रहे वो घर निश्चय जानो भाइयों देवन को स्थान रहे। नारी ने जा दुखी होकर जिस घर में आंसू गिराया खून की नदी बाय नहीं बांपे मां भारत नचवाया। महाराज तारा जंगल में पहुंची तो वहां पर मैया तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया है बुध। तो अत्री के चंद्रमा चंद्रमा के भय बुध और महाराज बुध के भय पुरुरवा। पुरुरवा के पुत्र हुए ही राजा आयु और आयु के 5 पुत्र हुए नहुष छत्रवृंद रजी रंभ और अनेना।